एक डॉक्टर अपनी साइकिल पे चले जाते हैं गांव गांव में, घर घर में कॉलेरा मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारियों का इलाज करने। उनका मिशन सिंपल था, अफोर्डेबल और नेचुरल हेल्थ केयर। आज वही कंपनी डाबर 1,00,000 करोड़ के वैल्यूएशन में पहुंच चुका है। दिस इज द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ हाउ स्मॉल आयुर्वेदिक हेल्थ केयर इनिशिएटिव ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट एफएमसीजी जायंट्स। आइए देखते हैं। डाबर की कहानी शुरू होती है 19th सेंचुरी के बंगाल में, जब इंडिया बहुत ही डेडली डिजीजेस से जूझ रहा था। कॉलेरिया मलेरिया हर जगह फैले हुए थे, पर 1884 में डॉक्टर एस के बर्मन ने सोचा कि भाई बंगाल को ये सब डिजीजेस से मुक्त किया जाए और आयुर्वेदा के थ्रू इनका ट्रीटमेंट किया जाए। उन्होंने अपनी साइकिल निकाली और गांव गांव घूमने लगे फॉर अफोर्डेबल आयुर्वेदिक मेडिकल केयर। तभी उन्होंने डिसाइड किया टू स्टार्ट हिज ओन ब्रांड डाबर, डा यानी डॉक्टर और बर यानी बर्मन। उनका मिशन एक ही था, हर आम आदमी तक सस्ता और इफेक्टिव हेल्थ केयर पहुंचाना। 10 साल में डाबर एक पॉपुलर नाम बन चुका था। 20th सेंचुरी के शुरू में ही डॉक्टर बर्मन के बेटे सीएल बर्मन ने कंपनी एक्सपेंशन के बारे में सोचा और कोलकाता के बाहर अपनी सर्विसेज ऑफर करने लगे। उनका सपना था आयुर्वेदिक हेल्थ केयर पूरी इंडिया में पॉपुलर हो जाए, पर इसमें काफी चैलेंजेस आए, जैसे लेबर इश्यूज इन कोलकाता जिसके कारण हेडक्वार्टर्स को दिल्ली में शिफ्ट करना पड़ा। 1940s तक डाबर ने पर्सनल केयर मार्केट में अपना कदम रख लिया था, लॉन्चिंग प्रोडक्ट्स लाइक डाबर आंवला हेयर ऑयल या हाजमोला जो सबका फेवरेट बन चुका था। इन सब प्रोडक्ट्स ने आयुर्वेदा को भी और एक्सेसिबल बनाया और डाबर का नाम हर घर में पहुंचने लगा। अब आया 1990s, डाबर के लिए एक स्ट्रेटेजिक टर्निंग पॉइंट, जब कंपनी ने सिर्फ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स तक ही अपने आप को सीमित नहीं रखा, दे एंटर्ड इनटू स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर। इस वक्त उन्होंने लॉन्च किया डाबर फार्मा, जो कैंसर ट्रीटमेंट में काफी बड़ा एक ब्रेक थ्रू बन चुका था। साथ ही डाबर ने इंटरनेशनल मार्केट्स में भी अपना कदम जमाया, स्पेन इजराइल और फ्रांस जैसे देशों में उन्होंने पार्टनरशिप्स के थ्रू काफी अलग अलग डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स ऑफर किए, जैसे कि स्नैक्स, च्यूइंग गम, चीज। और यही स्ट्रेटजी के थ्रू डाबर का एक अच्छा इंटरनेशनल प्रेजेंस बन चुका था। डाबर का रेवेन्यू 2001 तक 1000 करोड़ पहुंच चुका था और फिर नेक्स्ट 20 इयर्स में 2024 में दे हैव अ ऑपरेटिंग रेवेन्यू ऑफ ओवर 10,000 करोड़। आज डाबर 120 कंट्रीज में ऑपरेट करता है, सच एज सऊदी अरेबिया, यूएई, इजिप्ट, लंदन, स्पेन, जर्मनी, यूएस, कनाडा। डाबर की सफलता का एक सबसे बड़ा सीक्रेट है उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। उनके प्रोडक्ट्स 6 मिलियन यानी कि 60,00,000 रिटेल आउटलेट्स में मिलते हैं और 90,000 रूरल विलेजेस तक भी पहुंच चुके हैं। रूरल का पोटेंशियल समझने के कारण डाबर ने बहुत अच्छी तरह से पतंजलि को भी पीछे छोड़ दिया। इसके साथ डाबर ने फ्लैंकिंग स्ट्रेटजी अपनाई रूरल सेगमेंट को टारगेट करने के लिए। उन्होंने कुछ स्पेशलाइज प्रोडक्ट्स सच एज डाबर बादाम अपना हेयर ऑयल लॉन्च किया, जो कि कुछ लोगों को पसंद थे, बट इससे क्या हुआ कि रूरल डोमिनेंस आ गया, जिससे उनके कई और प्रोडक्ट्स भी सेल करने लगे। फिर आया COVID-19 पैंडेमिक, जहां पे हेल्थ इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रोडक्ट्स का बहुत डिमांड था, और डाबर ने इसी समय ये डिमांड को समझा और ई कॉमर्स और डिजिटल प्रेजेंस के थ्रू उन्होंने अपने फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स जैसे कि डाबर हनी, च्यवनप्राश और कई हर्बल जूसेस को अग्रेसिवली प्रमोट किया। कस्टमर्स ने इन प्रोडक्ट्स को ट्रस्ट किया और इसके कारण उनके बाकी प्रोडक्ट्स भी अच्छे से सेल होने लगे। फिर क्या था आगे का जर्नी, तो भाई सस्टेनेबिलिटी और इनोवेशन का था। डाबर ने प्लान किया अपना कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस करने का। उन्होंने अपने सप्लाई चेन मैनेजमेंट में कई ऐसे इनिशिएटिव्स रिड्यूस किए जिससे उनका कार्बन फुटप्रिंट कम हुआ, प्लास्टिक्स कम हुए, सही रिसोर्स मटेरियल्स यूज करने लगे, जहाँ पे इलेक्ट्रिक ऑपरेशंस आ सकते थे वहाँ लाए गए। इससे क्या हुआ, ओवरऑल कार्बन फुटप्रिंट कई हद तक रिड्यूस हुआ। साथ ही डाबर ने हेवी इन्वेस्टमेंट्स किए ऑन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा एनालिटिक्स, AI, मशीन लर्निंग, कई ऐसी स्ट्रैटेजीज लिए जिसके कारण कंज्यूमर प्रेफरेंसेस को लोग बेटर समझे और ई कॉमर्स में सही प्रोडक्ट्स सही ज्योग्राफीज में ऑफर करने लगे। डाबर की जर्नी बहुत सुंदर है, एक छोटे से आयुर्वेदिक डॉक्टर से एक बड़ा FMCG ब्रांड बनने तक। यही तो एक एग्जाम्पल है जहाँ पे इनोवेशन, ट्रेडिशन और स्ट्रैटेजी का एक सुंदर सा कॉम्बिनेशन एक अच्छा बिजनेस ब्रांड बना दिया।
डाबर का आयुर्वेदा पे फोकस, स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाना और ग्लोबलाइजेशन और डिजिटलाइजेशन का डिसीजन देना, उनको डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्रेजेंस बहुत ही सुंदर तरीके से दे दिया। जैसे जैसे दुनिया और हेल्थ कॉन्शियस हुए जा रहा है, एम्पिटेशन और डाबर बहुत अच्छे से अडाप्ट करते रहेगा। ये फ्रॉम अ सिंपल 10 रुपी 50 रुपी ब्रांड टू अ बिलियन डॉलर ब्रांड टू नाउ मल्टी बिलियन डॉलर ब्रांड की कंपनी बहुत ही सिंपल रूट से शुरू हुई। और इससे आपको यही सीखने को मिलता है कि स्टार्ट भले कितनी सिंपल हो, सही डिसीजंस, सही पेशेंस, सही स्ट्रैटेजी के साथ अगर करो तो छोटे से छोटा ब्रांड भी बहुत बड़ा हो सकता है। एंड दैट्स व्हाट आई होप फॉर माय ब्रांड आल्सो शार्पनर। तो कमेंट करके बताइए कि क्या ऐसा कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट है जो आपको डाबर का बहुत यूजफुल लगता है, और YouTube भाई को जरूर सब्सक्राइब करिए क्योंकि वही तो आपको बताएंगे कि हमारा अगला वीडियो कौन सा होगा। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड नाइट।